राधा स्वामी, आपने दो शब्द सुने, गुरु की महत्ता ही बताई गई है, गुरु है सब कुछ। लेकिन क्या आज के माहौल में गुरु मत तो है? गुरु तो है, मत नहीं है, गुरु तो बहुत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा, आद गुरु ए नमा, जुगाद गुरु ए नमा, श्री गुरु ए नमा, सतगुरु ए नमा। वहाँ भी चार गुरु बनाए गए हैं, और इधर सनातन धर्म में भी उनको कह दिया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। और किसी भी संत की वाणी को उठाकर आप पढ़िए, सब ने इंसान को अपने मन को बस करने की हिदायत की है। किसी भी संत को, जिसको भी पूछो मत, जो भी भक्ति किसकी करनी है, मैं तो ये पूछता हूँ कि ये जो लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं या मालिक की भक्ति कर रहे हैं? संतों की खोज ये कहती है कि ईश्वर की भक्ति करने वाला, देवी देवताओं की भक्ति करने वाला कभी भी आवागमन से बच नहीं सकता, उसका जन्म मरण कभी नहीं जाएगा, जन्म मरण जाएगा ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। इसलिए कहा गया है वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। लेकिन हमने तो आदमी को पकड़ कर रख लिया, उसकी वाणी को हम भूल गए, वो कहता क्या उसको तो हम मानते नहीं हैं। तो सभी संतों ने मन को कहा है। कबीर साहब ने कहा, ए मन है बड़ा जालम, जा को इससे काम पड़े हो ताको ही है मालूम, ये कहा ना। फिर उन्होंने कहा एक दूसरे एक शब्द में कहते, अरे मन धीरज का है ना धरे, मन को समझाया। मन को समझाने के बाद फिर वो हाई जगह पर गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कहा, अरे मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाल रहो मन मेरे, जिस सुख जिस दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा सार कर सब संवारना, ये कहा है। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप शान, यही कहा है। हमारे संतों ने क्या कहा, दादा दयाल कहते हैं, छोड़ो मन का ताना बाना, इस माना ताने बान के छोड़ो, तब जाकर तुम्हें उस चीज का पता लगेगा। लेकिन हम तो वहीं फंसे हुए हैं, वहीं फंसे हुए हैं। तो आज मैं आपको मन के ऊपर बताता हूँ स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी ने भी मन को ही कहा है, मन को समझाया, मन समझ में आ गया, मन रास्ते में लग गया। मन को बेचे सतगुरु पास, ते सेवक के कार्य रास। लेकिन मन तो हम बेचते नहीं हैं, कह देते हैं हम मन, मन के मन में खेलते हैं, हमारा मन में हमारा अपना है, मन में हमारा पराया है, मन में मित्र है, मन में शत्रु है, मन में ही धर्म है। जन्म से पहले क्या था, किसी को कोई पतंग में क्या था, क्या कौन सा धर्म था, कौन सी जाति थी तेरी जन्म से पहले, और मरने के बाद तू क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, आज पूरा नक्शा बता रहे हैं हमें, वो मैं शब्द आपको सुनाता हूं, पढ़ो। मन रे क्यों गुमाने अब कहना, वो कहते हैं तजुर्बा कर लिया जिंदगी का कि हे मन तू किस बात का गुमान करता है। गुमान मीन फिर ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा बेटे है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जायदाद है, मेरी नौकरी है, मेरा पद है, मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मेरा बहुत बड़ा डेरा है। वो कहते तू गुमान किस बात का करता है रे, ये मन मेरिया तू किस बात का गुमान करता है, जब तू आया था तेरे पास था क्या, तेरे पास तो खाने को दांत भी नहीं थे, दांत भी नहीं थे, और तू क्या बात करता है। तुम्हें दांत भी दिए उसने, तुमने दांत को खाने के लिए भी दिया, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं आया कि वो है। फिर क्या कहते हैं आगे पढ़ो, मन
क्यों गुमान अब करना मन रे, क्यों गुमान अब करना। कोई गुमान नहीं है, कुछ भी हम अपना लेकर नहीं आए और कुछ भी हम लेकर नहीं जाएंगे। एक बात तो ये सच्ची है, जो कुछ मिला हमारे पास, जो कुछ भी है वो हमने नहीं किया, उसने मेहर की, उसने दया की, हमें सब सुख दिए, ये मानना पड़ेगा। अगर हम कहें मैंने किया तो तुम फंस गए, मैं तो है ही नहीं, मैं कहाँ है, कहाँ है मैं, ढूंढो उस मैं को, अपनी मैं को खोज करो, तुम्हें मैं मिलेगी नहीं। अपने जीवन को देखो कि तुम्हारी मैं जो है वो तुम्हारे शरीर में क्या करती है, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी मैं का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी मैं का कंट्रोल नहीं है तो तुम किस बात की मैं कह करते हो। इसका मतलब यह है कि शरीर मेरा नहीं है, ना मेरे हाथ में नब्ज है, ना मेरे हाथ में मेरे शरीर की धड़कन है, ना मेरे सांस लेने पर मेरा अधिकार है, तो सांस भी कोई और ले रहा है, मेरे शरीर की धड़कन भी कोई और कर रहा है, रोटी भी कोई और पचा रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, तो तुम कहाँ हो बताइए। तो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि तू बता, तू क्या करता है शरीर में, कुछ भी नहीं करता। इसलिए किस बात का दावा करूं, क्या कहते हैं आगे, आगे क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से बात। तन तो तेरा खाक मिलेगा, तन तो तेरा खाक मिलेगा, चौरासी जा पड़ना। वो कहते हैं अब देखिए, ये वाणी सनातन धर्म को बोलती है। सनातन धर्म में हमारे शरीर को जलाया जाता है, बाकी धर्मों में नहीं। हिंदू जो मुसलमान हैं दबाते हैं, ईसाई हैं वो भी दबाते हैं, यहूदी वो भी दबाते हैं, लेकिन वो भी तो मिट्टी बनेंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। जितने से संत मरते हैं, ऋषि मरते हैं, मैं एक संतों को अपने हाथों से मैंने उनको कब्र में उतारा, जो मेरे गांव के संत थे, मेरे से बड़ा प्यार था उनका, उन्होंने मुझे इस रास्ते पर लाया था कि तू विश्वास कर तेरे को गुरु मिलेगा। हमने उनके लिए खड्डा खोदा काफ़ी बड़ा, फिर उनको आसन में बताया, ऐसे आसन जैसे वो शरीर छोड़ा वैसे ही उनको नीचे उतारा, फिर दो बोरी नमक के डाले उसमें ताकि वो बॉडी गल जाए, नमक जो गाल देता है ना सब कुछ, तो फिर उसके बाद मिट्टी डाली गई, तो मिट्टी तो बनेगा, शीर तो मिट्टी बनेगा, इसके ऊपर कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना सुंदर है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई भी है, कैसा भी है, ये तो खाक में जाएगा ही। नंबर वन, अगर मन नहीं आए मरा तो फिर क्या होगा, 84 में जाएंगे। हमारे चार रूप हैं, दुनिया को नहीं पता, मैं बताता हूं। एक हमारा शरीर का रूप है, एक हमारा सूक्ष्म रूप है जो सपने में तुम हो, सपने में तुम पूरे होते हो ना, तुम्हारा शरीर भी होता है, आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, खाते भी हो, पहनते भी हो, हंसते भी हो, रोते भी हो, दौड़ते भी हो, करते हो ना सब कुछ। तो एक रूप तुम्हारा वो है, वो है मरने के बाद। अगर मन मर गया शरीर के साथ ही तो फिर 84 नहीं होगी। क्या कहा, जो लोग गुरु को शरीर के साथ, गुरु के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु के मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, और या किसी धाम से जुड़े हुए हैं, या किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं, उनकी 84 नहीं जाएगी, क्योंकि उन वो बंधन में हैं। संत आए हमें निर्बंध करके गए कि तुम मरने के से पहले अपने मन को ही मार दो, मरने से पहले मन को मारो। इसलिए संतों ने कहा जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ, क्या मतलब, कोई ख्वाहिश ना रखो, कोई आशा ना रखो, कोई डिमांड ना रखो,
कोई किसी तरह का बंधन ना रखो, जैसे वो रखता वैसे रहो। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों की वाणी बहुत ऊंची है। एक हमारा शरीर है, दूसरा हमारा मन है, तीसरी हमारी आत्मा है। आत्मा हम प्रकाश रूप है, प्रकाश में जाएंगे मरने के बाद तो भी हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का काम है पैदा होना, पैदा करना। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। तो प्रकाश आएगा तो प्रकाश में हम भी हैं, हमें भी वापस आना पड़ेगा। ये तीसरी बात है। तो चौथी बात है, हम जो खुद हैं उसको सुरत कहते हैं। उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई मन नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो माल के कुल की अंश है। जैसे उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, ऐसे ही सुरत का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन वो है। उसको पंजाबी में मैं होश कहता हूँ, अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में उसको चेतना शक्ति कहते हैं। वो क्या है? चेतन का बुलबुला है। वो बुलबुला जब फूटेगा, जहाँ से आया उसी में ही विलीन हो जाएगा, फिर उसका कोई जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए संतों ने हमें आगाह कर दिया कि तू बच, आवागमन से बच जा। तू जो आया, जो ड्यूटी तू करनी वो कर ले, जो कुदरत ने तुम्हें ड्यूटी दी है वो पूरी कर ले, बस उसके बाद निर्लेप हो जा। ये कहने का मतलब है संतों का। आगे पढ़ो। ताने तो तेरा खाक मिलेगा, चौरासी जा पड़ना। क्यों चौरासी में जाओगे? क्योंकि तुमने मन को अपने नियंत्रण में नहीं किया, तुमने मन को नहीं मारा, तुमने मन को गुरु को नहीं दिया, तूने मन के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है और मन को ही सब कुछ समझा हुआ है। मन तेरे ऊपर सवार है, तू मन पर कभी सवार हुआ ही नहीं। क्या कहा मैंने? संत कहते हैं मन पर सवार हो जाओ, मन को पकड़ो, इसको मत दौड़ने दो कहीं भी। आगे। दीन गरीबी चित में धरना, दीन गरीबी चित में धरना, काम क्रोध से बचना। वो तीसरी बात कहते हैं, दीन गरीबी चित में धरना। गरीब कहते हैं जिस पर पुष्कर कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसको हम दीन नहीं कहते, उसको गरीब कहते हैं। बेचारा गरीब बेचारा। दीन वो होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता, वो दीन है। सब सुख है, सब कुछ मिला हुआ है, सारे संसार के सुख हैं, लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता कि ये सब उसने मुझे दिया है, वो दीन है। कहते दीन गरीबी चित्त में धरना, और फिर आगे क्या क्या? काम क्रोध से बचना। क्रोध कब आता है? क्रोध का अपना रूप कोई नहीं है। क्रोध तुम्हें तब आता है जब तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं होती, इसलिए कहा काम क्रोध से बचना। जब कामना ही कोई नहीं है कि मुझे रोटी ऐसी मिलनी चाहिए, मुझे ऐसी चीज मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को ये करना चाहिए, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो तुम तो फंसे हुए हो। काम में कामना है तुम्हारी कि सारा परिवार तुम्हारी उंगली पर नाचे, सरकार भी तुम्हारी उंगली पर नाचे, गरीब भी तुम्हारी उंगली पर नाचे, ये नहीं चलेगा। जब तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहोगे तो तुम्हें क्रोध आएगा, जब तुम दूसरों की इच्छा पर रहना शुरू कर दोगे तुम्हें क्रोध आएगा। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो, फिर क्रोध तुम्हें नहीं आएगा। जब तुम अपने लिए जियोगे कि मेरे मतलब के बात ऐसा होनी चाहिए, तुम्हें क्रोध आएगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे औरत ने रोटी बनाई हो, वो उसमें गड़बड़ हो गई, उसमें नमक कम है या नमक ज्यादा डाल दिया, तो भी तुम्हें क्रोध आएगा।
अगर पानी का ग्लास कम दे दिया तुम्हें तो क्रोध आएगा, अगर चाय में चीनी कम है तो तुम्हें क्रोध आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि तुम हर चीज़ को अपने मतलब की चाहते हो कि मेरे मतलब की होनी चाहिए। इसलिए लिव फॉर अदर्स, जियो और जीने दो बाबा फकीर जी महाराज ने कहा। जब तुम जे नुकता जान गए कि जियो और जीने दो, खुद भी खुश रहो दूसरों को भी खुश रखो, फिर तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं, करके देख लो। जब तुम अपने मन के मुताबिक चाहोगे कि दूसरे लोग चलें, वो नहीं होगा। तुम हर वक्त क्रोध में रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर कभी खुशी आएगी नहीं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। अब तीस चौथ अगली बात कहते, बहुत बड़ी बात कह रही। अब प्रीत प्रतीत दो शब्द हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास किस पर करना? गुरु के ऊपर करना। मेरा तजुर्बा एक और कहता है कि विश्वास भी तुम्हें तभी होगा जब उसकी दया होगी। तुम विश्वास नहीं कर सकते, करके देख लो। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, क्योंकि मैं भी 1998 से इस लाइन में हूँ। मैंने बहुत क्लोज से लोगों को देखा है। लोग अपने काम के लिए गुरु के पास जाते हैं, श्रद्धा और विश्वास से नहीं जाते। जिनको श्रद्धा और विश्वास है वो गुरु से कुछ भी नहीं मांगेगा। ये आपको मैं नुक्ता बता रहा हूँ। जिसको गुरु पर विश्वास आ गया, श्रद्धा हो गई, वो मांगेगा क्यों? वो नहीं मांगता। उसको पूरा पता कि जो मुझे गुरु ने देना यही देने वाला है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा मैंने? तो इसलिए क्या मांगना? एक शब्द है, दया करो दया करो दया करो, बड़ा सुंदर शब्द है। मुझे पूरे शब्द नहीं याद, पहले मुझे पूरा शब्द ये आता था। वो दया मांगते हैं, दया, दया में सब कुछ है। जब उसकी दया हो जाएगी तो तुम्हें गुरु मिलेगा, जब उसकी दया हो जाएगी तुम्हें गुरु पर श्रद्धा आएगी, तुम्हें गुरु पर विश्वास आएगा, वरना तुम दुनिया मांगते मांगते चले जाओगे। क्या कहा मैंने? अगली बात क्या कही साथी? प्रीत प्रतीत थी, नाम रसायन घट में, नाम रसायन घट में। रसायन होती है जो शरीर में हरकत करती है, जो शरीर पर असर करता है। जितनी दवाइयाँ हैं ये सब रसायनी तो है। सबसे बड़ा क्या है? सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगों का नाम रख जाए। जो दवाई है वो नाम है। नाम भी कौन सा? नाम भी कौन सा? दो तरह के नाम है। एक वर्णात्मक नाम है जो हम मुंह से बोलते हैं, हम सिमरन भी उसका करते हैं, हम बात जाप भी करते हैं। वो नाम है दुर्की वाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई। वो वाणी ऊपर से उतरती है, वो अंदर से आते हैं। वो जे कान नहीं सुन सकते, वो जे कान नहीं सुन सकते, वो मन के कान भी नहीं सुन सकते, वो आत्मा के कान भी नहीं सुन सकते, उसको केवल तुम्हारी सुरत सुन सकती है। इसलिए संतों ने कहा सुरत शब्द योग, सुरत को उस शब्द के साथ मिलाना है, मन को नहीं, आत्मा को नहीं, शरीर को नहीं। वहाँ जाने के लिए उस रसायन को हर रोज पीना है, हर रोज पीना है और हजम करना है, फिर तुम उसमें जाओगे। जब वो आ गया फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बीमार नहीं करेगी। जब शरीर में हम आएंगे तो शरीर की तकलीफ तो होगी, मन में आएंगे तो मन की तकलीफ भी होगी, क्योंकि बाबा फकीर ने ये साबित कर दिया
कि मैं पांचवें पद में रहने वाला हूँ, लेकिन जब शरीर का कष्ट होता है तो मेरे बस में नहीं है। और कह दिया करते सियाद मेरे कर्म खोटे हैं, ऐसे कह देते थे। शरीर में तकलीफ आएगी, क्यों आएगी? पिछले कर्म, शायद इस जन्म में हमने कर्म नहीं किए हैं, लेकिन पिछले कुछ करने, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। शरीर का कर्म किया हुआ शरीर से भोगना पड़ेगा, मन से किया हुआ कर्म मन से भोगना पड़ेगा, आत्मा से किया हुआ कर्म आत्मा से भोगना पड़ेगा, ये तो एक नियम है। और सुर्त से किया हुआ काम तुम्हें उससे मिला देगा। क्या कहा मैंने? वो मिलाएगा तुम्हें उससे, क्योंकि तुमने सुर्त की खोज अंदर की है, तुम उस पर चले हो तो तुम अल्टीमेटली उसी में ही विलीन हो जाओगे। आगे बढ़ो। मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ये बीच रखना। कहते हैं मन मलिन के कहे न चलना, जहां मन है वहां मलिनता है, मन निर्मल नहीं हो सकता। मन निर्मल तब होगा जब तुम साध संगत में जाओगे और इस इच्छा से जाओगे कि मेरा मन मलिनता को छोड़ दे। क्या कहा मैंने? तुम जब गुरु के दरबार में जाओ तो इस ख्याल से जाओ कि मेरे मन की मलिनता, मेरे मन की गंदगी, मेरे मन की ईर्ष्या, मेरे मन का द्वेष, मेरे मन की शत्रुता, ये सब खत्म हो जाए तो मलिनता चली जाएगी। वरना मन तो कभी भी साफ नहीं हो सकता। जो देखेगा उसके पीछे भागेगा, जो सुनेगा उसके पीछे भागेगा, जो खाएगा उस स्वाद के पीछे भी भागेगा। क्या कहा मैंने? सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ये भागता है, ये जब भी कुछ देखेगा ये भागेगा, ये तुम्हें ठहरने नहीं देगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ये फिर क्या कहा आगे? क्या कहा? मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही ये बीच रखना। गुरु के वचन को उस वक्त याद करना है, वो मन में रखना। उन्होंने क्या कहा? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हे मन मेरिया तू रह सदा हर नाले, ये कहा है। जब हम ऐसी माने पढ़ेंगे, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं, दाता दयाल जी ने लिख दिया, घट में हूं, इसमें कोई शक नहीं है, ढूंढो मुझे वहीं, अपने आप में ढूंढो, तो वहां मन तो है ही नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु अगर जब तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए, तुम्हें गुरु की बात याद आ जाए, तो समझो गुरु तुम्हारे पास है, शरीर से नहीं वाणी से तुम्हारे पास है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, उनकी वाणी याद रहे। जब वाणी याद है तो तुम कभी कमजोर नहीं होगे। क्या कहा मैंने? जो स्थूल रूप में गुरु को याद करते हैं वो गलत है, वो तो उनका मन है, मन ने गुरु को बना दिया। यही तो बाबा फकीर ने हमें समझाया सारी जिंदगी, कि जो मुझे पैदा करते हैं वो अपने मन से पैदा करते हैं, मैं तो वहां हूं ही नहीं। वो मन से आगे गए नहीं। उसके साथ प्यार करना हमारा अधिकार, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें बाहर से बाहर बहुत कुछ मिला है, हमें वहां से ज्ञान मिला है, हम उस मूर्ति के कृतज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महत्व किस बात का है? उनकी वाणी का है। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा अपने देशा। बाबा फकीर कहते थे मेरा अंग तो ये है, टांगे आपको सारे को मैं पकड़ सकता हूँ या तुम मुझे सारे पकड़ सकते हो, मेरी वाणी अंग है।
मेरी वाणी को जो पकड़ लेगा वो डर जाएगा, जो मुझे से फा डालेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। यह मति मंद गए नहीं सरना, यह मति मंद गए नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। ये कभी नहीं मानता मन जो है, लोभ उधर को भरता है। उधर तो पेट को कहते हैं ना, ये नहीं, ये पेट नहीं, मैंने इसको नहीं मानता ज्यादा, ये तो जो हमारे कर्म में लिखा वो मिल जाना है। आंखें भी इसका लोभ है, आंखों से देखना भी इसका लोभ है, सुंदरता को देखने के लालचा इसमें है, और बुरी बुरी बातें सुनने के लिए इसमें लोभ है। गुरबाणी सुनने में बैठकर सो जाएंगे, अगर गुरबाणी का पाठ हो रहा है जा कहीं कीर्तन हो रहा है जा कहीं कोई वचन संत दे रहा है वहां नींद आती है, लेकिन जहां मुजरा होता हो, डांस होता हो, तालियां बज रही हो, वहां नींद नहीं आएगी। तो मन किस चीज का आशिक हो गया, बुराई को, ये बहुत पसंद करता है, ये मनोरंजन का आशिक है। जहां मनोरंजन इसको मिलता है वहां ये रुक जाता है, जहां मनोरंजन नहीं है ऊपर की बात है, वो छड्डो ऐसी की लेना, हल्ले बतेरी उम्र पे ही है। क्या कहा मैंने, इसलिए ये बड़ा मतमंद है, बहुत बहुत जालिम है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही लाइन। यह मतमंद गए नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। लोभी है देखने का, सुनने का, खाने का और पहनने का, मन की खुशी का ये लोभी है, या मन की खुशी आई समझो तुम लोभी हो। जहां तुम मन की परवाह नहीं करते, तुम नींद की भी लोभ होता है, चार बजे जाग आ जाए और थोड़ा और सो लेते हैं, सर्दी बहुत है, ये भी लोभ है, मैं इसको भी लोभ मानता हूं। फेंक दिए कपड़े, मैं नहीं अब सोऊंगा, तब तुम्हारा लोभ नहीं है। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो। खाने का भी लोभ है, अल्लाह बहुत आज स्वाद बनी है सब्जी, तो वो भी लोभ है ना, तो कहाँ कहाँ इसको बचाओगे आप। बाबा फकीर ने तो कहा जब चीज स्वाद आने लगे तो खाना छोड़ दो। बाबा फकीर जी से कहते थे कि जब खाना बहुत स्वाद लगे तो खाना छोड़ दो, नहीं तो बीमारी ले लोगे, और बात ठीक कही उन्होंने। ये प्रैक्टिकल जीवन बताया उन्होंने हमें कैसे जीना है, या मन को आनंद मिलता है उसको त्याग दो, ये तुम्हें फंसा देगा। या मन को आनंद नहीं मिलता वहां से वहां जाओ, या आत्मिक आनंद मिलता है, या रूहानियत मिलती है वहां जाओ। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। अब कहते हैं कहना नहीं मनना भाई। अब तुम देख लो, तुम तो चलते ही इसके कहने पर हो। स्वामी कहते इसका कहना नहीं मनना, इसके कहने लगोगे तो जगत में फंस जाओगे। ये मेरा, मेरी बात समझिएगा, ये भी लोभ है, ये मेरा मकान, ये भी मेरा लोभ है। क्या कहा मैंने, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो एक प्रोफेसर सिगरेट बहुत पीता था, बैठे थे कहते यार तू सिगरेट नहीं है क्यों पीना, कोई चीज़ बना ला इधर नहीं, तो उसने कहानी सुनाई। कहता एक आदमी खड़ा बिल्डिंग को देख रहा है और सिगरेट पी जा रहा है ऐसे ऐसे, तो दूसरा आदमी कहते ओ पाही गल सुन,
तू ये सोनी इन्नी बिल्डिंग जो देखन दे आ ये जे सिगरेट छड़ देवे तो तू भी तेदन दी बिल्डिंग बना सकदा बात को पकड़ना। वो बिल्डिंग देख रहा है, सिगरेट पिए जा रहा है, दूसरा आदमी आया कहना तू खड़े खड़े चार सिगरेट फूक देती हैं, ये ना तू पीवे तो तू भी तेदन दी बिल्डिंग बना लेगा ना। वो कहता जो सिगरेट पीने वाले हैं ना वो तो अपने ही ख्याल देंगे। वो कहता ये बिल्डिंग मैंने ही बनाई है, ये मेरी है, मैं देख रहा हूँ इसमें कोई कमी तो नहीं है। मन को समझाने की बात समझ गया ना। उन्हें मन नू दूजे पासे ला लिया। क्या कहा मैंने, दूसरे इंसान की नीयत क्या है, उसकी नीयत क्या है, मेरी बात ऐसे ही। खाना खाने वाले हैं जो मांस भक्षण करते हैं, उनका अपना ही रास्ता है, उनके साथ बात करो वो तुम्हें कन्विंस करेंगे। उनके साथ बात ही क्यों करना, हमने क्यों ले क्या लेना किसी से। जो जहाँ है वो नहीं रहने दो। ये दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। महाराज कहा करते थे ये दुनिया कुत्ते की पूछ है, अगर सुधरनी होती तो गुरु नानक ने क्या कुछ कह दिया, ये सुधर ना जाती। महात्मा बुद्ध क्या कह गए, ये सुधर जाती। जैन मुनि क्या कह गए, तब नहीं सुधरी। अब महापुरुष कितने दुनिया में बैठे हैं, चलो आज तो मैं बात नहीं करता, आज तो काल के मत के गुरु हैं, दयाल मत के गुरु नहीं हैं, अपने डेरों में फंसे हुए हैं, धन में फंसे हुए हैं। क्या कहा मैंने, इसलिए ऋषियों ने भी कह दिया मन के मारे वो जंगलों में भाग गए, लेकिन मन ने उनको वहां भी नहीं छोड़ा। पूछो श्री श्रृंगी ऋषि का हाल देखो, पराशर ऋषि का हाल देखो, मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, और योगियों का हाल देखो, मच्छंद्रनाथ का हाल देखो, तो डर लगता है कि ये काहे के ऋषि थे, ये मन के मारे हुए फिर गिरे, बुरी तरह से गिरे, गृहस्थियों से भी ज्यादा गिर गए। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या लाइन कहती है पढ़ो, यह मति मंद तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बीच गिरना। हमें जगत में फंसाएगा, मन के लेवल पर रहो ड्यूटी करने के लिए, बस डू योर ड्यूटी। जो कुदरत ने तुम्हें ड्यूटी दी है वो मन के लेवल पूरा दिल लगा कर करो, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में और बाप के रूप में, वो ड्यूटी करो, वो है सबसे जरूरी। और ड्यूटी करने के बाद फिर भूल जाओ, फिर एहसान मत जला जताओ। क्या कहा मैंने, फिर एहसान जताने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी ड्यूटी समझो, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, अगर शादी हुई है, नहीं हुई तो आनंद ही आनंद है, तो कोई चिंता ही नहीं है। क्या कहा, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। क्या कहा मैंने आगे, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। क्या कहते हैं, मूर्ख कह दिया मन को, मन को बुद्धिमान नहीं कहा, इस मूर्ख को समझ के पकड़ना। तुम्हारे पास मन है, उसके बाद चित्त है, उसके बाद बुद्धि है, तीनों का इस्तेमाल करो। मन को चित्त करो, चित्त करो, ठहराओ मन, चित्त करना। और हम छोटे छोटे होते थे ना तो गोले खेलते थे, गोले और शीशे के बने हुए ऐसे मारना, वो कहना चित्त कर दिया, गोले पर गोला ला के चित्त कर दिया, जीत गया। अब समझ गया ना, तो पता नहीं खेला कि नहीं, हमने तो खेला बचपन में गांव में, हम वो क्या उसको कहते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे मारना, तो गोला लग गया तो उन्होंने गोला मार देता,
तो नंबर मिल गया। मेरी बात समझ गए? चित्त का मतलब है ठहराना, मन को ठहराना। ठहरने के बाद फिर बुद्धि पैदा होती है, उसके बाद बुद्ध पैदा होती, पहले नहीं है। फिर चित्त के बाद बुद्ध का इस्तेमाल करो कि जो इस मन ने मुझे खाने को दिया, या पहनने को दिया, या देखने को दिया, या सुनने को दिया, क्या वो ठीक है? वहां उसको कहते हैं चिंतन, उसको कहते हैं चिंतन करना। इस मूर्ख को फिर सोचना है कि जो मैंने देखा क्या वो ठीक था, जो मैंने खाया क्या वो ठीक था। कि हमारे तो पता आजकल क्या है, पार्टियां दिखाते हैं ना टीवी पर, टीवी पर पार्टियां दिखाते हैं, समोसे पकौड़े पता नहीं क्या क्या रखा होता है, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। फिर लड़का कहते आया, और तो फिर उसके लिए इनो लाया जाता है, इनो खा इनो पी ले। वो नहीं कहना मैं कट खा, इनो पी ले, खा जितना मर्जी। क्या कहा मैंने? मैंने देखा है ना, जिसने जो देखा वो बात करता हूँ, जो सुना वो नहीं करता। इनो पर जोर है, दवाई पर जोर है, डॉक्टर उस डॉक्टर को दिखाओ उस डॉक्टर। ऐ इंसान तू अपनी खुराक ठीक कर ले, तेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। बस मैं आपको बता देता हूँ, जो कुदरत ने पैदा किया है वो खाना शुरू कर दे, यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद है क्या? जो कुदरत ने पैदा किया वो खाओ, तुम्हें बीमारी नहीं लगेगी। जो कुदरत की चीज़ को तुमने बदल दिया अपने शौक के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसको खाया, तो बीमारी तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, वो तो आएगी। इसलिए लिव एज पर नेचर, कुदरत के असूल के मुताबिक रहना सीख लो। क्या कहा मैंने? इस मूर्ख को समझाना है बुद्धि पर लेवल पर जाकर। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन, इस मूर्ख को, इस मूर्ख को समझ पकड़ना। समझ के साथ, मगर तुम तो मन के पीछे चलते हो। ऐ इंसान, जिस दिन तू मन के पीछे चलना छोड़ देगा, तू सतगुरु के साथ मिल जाएगा, तू मालिक के नजदीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी दीवार है मन, मन के पीछे मत चलो। बस आप ही बात कहता हूं, मन में ही जाति पाति है, मन में ही धर्म है, मन में ही कर्म है, मन में ही सोचना है, मन में ही विचार करना है, मन में ही ख्याल है, और जैसा ख्याल वैसा हाल, उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए इस लेवल से थोड़ा ऊपर आओ, मन के लेवल पर थोड़ा ऊपर आओ। जो बच्चा मन को मारकर किताबों में बैठ जाता है, किताबों में खो जाता है, उसका मन खत्म हो जाता है, वो लीन हो गया किताब में, अपनी शिक्षा में। उसको तो पास होना ही होना है, वो होगा नहीं पास, होगा पास, क्योंकि उसको ख्याल ही कोई नहीं आता। आजकल के लड़के देखो, दिल नहीं लगता पढ़ने, कितना दिल लगूगा वे, तुम्हारा तो आँखों पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा खाने पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपनी किताबों से प्यार नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए जो बच्चा, मुझे अपना तजुर्बा है, मैं तो एजुकेशन जब पढ़ता था तब तो बाजार जाने का मतलब ही कोई नहीं था। मैं तो जब कॉलेज में पढ़ा था भी मैं बाजार नहीं जाता था, क्यों जाना बाजार? मैं आपको अपनी हंसी की बात बताता हूँ, मैं धर्मशाला में था, बच्चे मेरे पास नहीं थे, तो स्टोव होता था पंप वाला, आपने देखा होगा, उसमें एक सुई मारनी पड़ती थी, जब वो बंद हो जाता था तो मेरी वो सुई खराब हो गई, वो रोटी कितना पड़नी है। तो मैं बंद किया, तो मैं बाजार चला गया। 1 किलोमीटर चढ़ाई ऐसे जाओ, ऊपर तक जाओ, नीचे था मैं रहता सिविल लाइन में, ऊपर जाकर वो पिन लिए, 3-3 पिन होते थे एक पैकेट में, वो लिए दवा, जल्दी जल्दी मैं आ रहा हूँ वापस।
तो अपने घर के नज़दीक ही पहुंच गया था, तो एक ओल्ड प्रोफेसर मेरे ही यहाँ पढ़ाते थे पहले हुशियारपुर में, फिर वो ट्रांसफ़र होकर चले गए धर्मशाला, वो नीचे से ऊपर जा रहे मुझे याद आती है बात उस बेचारे की, वो कमल दिया बच्चा मैं तो बहुत एजेड थे ना, वो कितने मुँह चक्की जाना, मैं कह सर मेरा पेन टूट गया था स्टोन का, तो वो लैके आया, वो चल पूछे मुड़ तेरे वर्ग के मुंडे तक बाजार से कुड़ियाँ देखने फिर दे आ, मेरे को उन्होंने कहा, मैं कह सर मुझे शौक नहीं है, मैं तो जाके रोटी बनानी भुख लगी है, पहले पेट में डाली पोटियाँ रोटियाँ सबे गल्ला खोटियाँ, मेरी बात समझ गए, मैं कभी बाजार नहीं जाता हूँ, एक बार मुझे जाना पड़ा बस उन्हें की बात है, तो एक आदमी बहुत पुराना मिल गया, ओ बल्ले 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 कमल जी तुम कितने रेंदे, मैं क्या मैं उन्ने च ही रहा, यार कभी देखे ही नहीं, आओ इधर गपशप मारिए, मैं क्या मेरे को टाइम नहीं गपशप मारन का, कौन सी गपशप लगाऊ, कहना बड़े रुखे हो गए हो, मैं कहने मैं कम जा रहा, मैं कौन सी बात करूं, मेरी बात का कोई गाहक ही नहीं है, क्या कहा मैंने, किस लिए जाना, किस दुनिया को देखूं, ये दुनिया तो पल पल को बदलती है, ये दुनिया पल पल में बदल रही है और तुम्हारा शरीर भी पल पल बदल रहा है, इसको देखो पहले, दुनिया को बाद में देखो, इसमें जो बैठा है उसकी खोज करो, दुनिया की खोज करना बंद करो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, होता रहा है होता रहेगा, ये जुगो जुग ऐसे चलता रहा है, जिसने अपने आप को देख लिया वो तर गया, जो दुनिया में फंस गया वो फंस गया, क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो जही लाइन, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु की शरण नहीं पकड़ना, गुरु की शरण कौन जाएगा, देवी बता देता हूं, हम आम तौर पर कहते हैं महाराज आपकी शरण में आया हूं, कोई शरण में नहीं आता वो शरण में अपने मतलब के लिए आते हैं, बाबा जी थानू बहुत संत समझ के आए हैं, क्यों आए भाई, कोई तकलीफ है तभी आए ना, उधर तो बाबे ने कोई नहीं याद करता शरण में केवल वो जाता है जिसको कोई डिमांड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं अपनी जिंदगी बता रहा हूं, मैं 18 साल की उम्र में बाबा मेरी डिमांड क्या थी, गुरु, मुझे डिमांड भगवान की नहीं थी, क्योंकि माँ से एक ही बात पता लगी थी कि बेटा गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, तो गुरु की डिमांड की मैंने 12-6 साल से, और पता नहीं कैसे कैसे सन्यासियों से मेरा पल्ला पड़ा, कैसे कैसे संतों से मेरा पल्ला पड़ा, किसी की बात मेरी पकड़ नहीं सका कोई भी, बात समझे, तो कुदरत बड़ी बेअंत है, बाबा फकीर ने मुझे खींच लिया अपने चरणों में, और मैंने उनसे कभी दुनिया नहीं मांगी, एक बात, और दूसरी महानता बताता हूं, उन्होंने मुझे नहीं पूछा तुम बेटा कहाँ से आते हो, कौन से तेरे माँ बाप हैं, वो क्या काम करते हैं, क्योंकि हमारा दिली संबंध पैदा हो गया था, दिली, इसलिए धर्मशाला उन्होंने मुझे कहा 1970 में, बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूं, तब मेरी आंख खुली, ओहो तेरे तो कर्मी बड़े चंगे बंदे, एक सतपुरुष ने तेन की कह दिता, और तेन गल ना ला लिया, इस तो बड़े और की चाहिए सी, तो इसलिए मैं उनके ही गुण गाता हूं, उनकी शिक्षा के गुण गाता हूं, उनकी शिक्षा पर जो एक बात भी चलेगा वो दुनिया से तर जाएगा, बस एक बात मैं आपको बता देता हूं, तुम्हें कोई कमी मांगने की जरूरत नहीं है, बिन बोलिया
सब कुछ जानता गुरबाणी का शब्द है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। इसलिए कोई बोलने, अगर तुम सतपुरुष समझ के जाते हो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। क्या कहा, हम तो भिखारी हैं। महाराज कहा करते थे, तुम सब भिखारी हो, मेरे पास वो चीज़ लेने के लिए नहीं आता, कोई नहीं आता। तो मैं वहाँ बैठा होता था तो मैं ऐसे पल्ला कर देता था चुपचाप, पिताजी मैं आया हूँ, ऐसे आंखें बंद कर देनी, मैं आया हूँ आपसे वो चीज़ लेने के लिए। कहने की क्या जरूरत थी, क्या कहा मैंने। इसलिए क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, सुन लो फिर दोबारा पढ़ो। गुरु का आरोप नैन में धरना, गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। अब कहते हैं बाहर बाहर, स्वामी जी ने एक शब्द लिखा, गुरु को बाहर बाहर गाता अपने घट में कभी न लाता। गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन एक स्टेज आती है ध्यान खत्म हो जाता है, एक स्टेज आती है ध्यान खत्म हो जाता है। ध्यान शुरू शुरू में आएगा और जब ज्ञान हो जाएगा ध्यान खत्म हो जाएगा। ध्यान करने से विवेक जागता है, मन साफ हो जाता है, मेर तेर खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है, और संसारियों को तो ध्यान करना ही चाहिए, जिनको दुनिया चाहिए वो अगर ध्यान करेंगे बिन मांगे सब कुछ मिलता जाएगा, उनकी आशाएं पूरी होती जाएंगी, उनमें विवेक जाग जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना ये ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा मैंने। इसलिए वो कहते हैं गुरु के रूप को कभी नहीं त्यागना, ध्यान रखो। परमदयाल जी महाराज यहाँ तक कह गए, ये पतंजलि योग शास्त्र में लिखा है, बहुत डिटेल में कुछ लिखा है, बाद में कह दिया कि बीत राग पुरुष को अपने दिमाग में रखो, उस संत को अपने दिमाग में रखो जिसका कहीं कोई लगाव नहीं है, जो निर्बंध पुरुष है उसको अपने दिमाग में रखो कि मेरा बाबा है। मेरी बात समझ गए, वो सर्वव्यापक है। मैंने आपको 18 तारीख को शब्द सुनाया था, राधा स्वामी रूपलख तू तो सर्वव्यापक है। गुरु सर्वव्यापक होता है, कभी कभी मरता नहीं गुरु, ना गुरु जन्म लेता है ना गुरु मरता है। ये दुनिया बड़े पलेखे में है, हम भी जन्मदिन मनाते हैं, मैं दिल से नहीं मनाता आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने जन्म लिया और हैं, गए नहीं, कहीं भी नहीं गए, इन दीवारों में आवाज़ आ रही है उनकी। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। फिर कहते सुरत शब्द, वो आगे कह दिया कि सुरत में तभी पंचोगे तभी शब्द खुलेगा, जब मन में खेलते रहोगे तो सुरत कैसे आएगी। ये उनके लिए है जो अध्यात्म को प्यार करते हैं, उनके लिए है जो इस संसार से पार जाना चाहते हैं, जो आवागमन से बचना चाहते हैं, उनके लिए है। उनके लिए कौन है, बहुत कम है। नानक कोटन में कहूँ नारायण जन चेत, वो तो कोई भाग्यशाली होगा, लेकिन स्वामी जी ने लिख दिया इसलिए मैं भी कह देता हूँ कि फिर सुरत को पकड़ो। सुरत क्या मतलब, अपनी खोज करो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, बस तुम खोज खोज करते करते इस नतीजे पर पहुँच जाओगे कि मैं हूँ नहीं, कुछ और है, और वो और वो है वो सुरत है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो वह कहे चित में धरना, जो वह कहे सो चित में धरना। कहते हैं कि सिमरन किस क्रम का करना, जहाँ तो नामदानी दे दिया उन्होंने राधा स्वामी नाम, बाकी जितने भी नाम हैं उनमें द्वैतवाद है, राम अलग है,
तुम अलग हो, कृष्ण अलग है तुम अलग हो, देवी अलग है तुम अलग हो, ओके नहीं? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ द्वैतवाद है, तुम दूसरे का सिमरन कर रहे हो, दूसरे का, तुम पार नहीं जा सकते। यहाँ ये जो शब्द है, ये टेक्निकल शब्द है, राधा आद सुरत का नाम, तुम्हारी सुरत का नाम राधा है, राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान, और शब्द आद मेरा अंत है। क्या कहा हमने? तो हम अपने आप को याद करते हैं, ये तुम्हारा अपना नाम है, इसलिए स्वामी जी महाराज ने किताब से पहले में लिख दिया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम, निज नाम में तुम्हारा नाम, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, राधा स्वामी कलि क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये कह दिया, पहले कह दिया, और नाम जपने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने नाम का सिमरन कर रहे हो, जिसका सिमरन करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। राम का सिमरन करने वाले राम का दर्शन करते हैं, कृष्ण का सिमरन करने वाले कृष्ण का दर्शन करते हैं। समझ गया मेरी बात को? जो जिसका सिमरन करेगा उसको उसी का रूप नजर आएगा, करके देख लो, जो अपने नाम का सिमरन करेगा उसको अपने नाम का रूप नजर आएगा, इसलिए कह दिया है। पढ़ो फिर यही लाइन, राधा स्वामी नाम सुमिरे ना, जो वह कहे सो चित में धरे ना। क्या कहा? जो जो वह कहे सो चित में धरना, जो वह कहे, जो वह कहे चित में, जो वह कहे, दो बातें, जो वह कहे सो जो वह कहे, जो वह कहे वो चित्त में, उसको चित्त में, अपने मन में उसी को रखो। तुम कौन हो? तुम राधा हो, स्वामी तुम्हारे अंदर है, इसलिए कह दिया काहे रे मन खोज। याद है, याद शब्द सुना दो, ये शब्द सुनो, गुरबाणी क्या कहती है तो भी मैं आपको सुना देता हूँ। काहे रे मन खोजन जाए, सर्वनवासी सदा अलेपा तेरे संग समाई। वो तेरे अंदर है, सुना दे बेटा, सुनो शब्द, काहे रे मन खोजन जाए, काहे रे, काहे रे मन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा खोजन जाई।
सर्व निवासी सदा ले पार, सर्व निवासी सदा ले पार, तो ही संग समाई काहे रे बान खोजन जाई, बाहर भीतर एक हूँ जाना हो, बाहर भीतर एक हूँ जाना हो, ए गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा जी ने, जन नानक बिन आपा जी ने, मिटे ना ब्रह्म की काई काहे रे काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पार, सर्व निवासी सदा ले पार, तो ही संग समाई काहे रे बन खोजन जाई। सुनो ये संत गुरु नानक साहब की बाणी है, वो स्वामी जी की वाणी है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, वो क्लियर कहते हैं कि वो तो तुम्हारे संग है, तुम्हारे अंदर है। कैसे? जैसे मध्य जो बास, जैसे खुशबू फूल में, जैसे खुशबू है वैसे वो तुम्हारे अंदर है। मुकरमा है युशाई, जैसे तुम शीशा देखते हो उसके अंदर तुम्हारे रूप आता है, ऐसे वो तुम्हारे अंदर है। फिर बताइए इससे परे और संत क्या कहेंगे, इससे परे संत और क्या कहेंगे? वो बाजू पकड़ा दे तुम्हें के अल्ले अल्ले देख ला तू कौन है क्या कर। लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फिर वो इस दुनिया से जाने के बारे में क्या कह दिया, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशानी है, सुर शब्द भव तागर तरिये नानक नाम बखानी है। वे कहते हैं दुनिया से जाना ऐसे है जैसे कमल का फूल गंदे पानी में भी होता है लेकिन वो उसको पानी लगता नहीं है, मुर्गा भी नीचे तक उतर जाती पानी में अपना मछली पकड़ने के, फिर बाहर आएगी सूखी के सूखी। तुम ही दुनिया में रहो, सारा काम करो लेकिन रहो सूखे के सूखे, फंसो मत। महाराज जी फरमाया करते थे फंसो मत, और कभी कभी यहाँ तक कह देते थे कि मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ, कब? जब गुरु का ज्ञान भूल जाता हूँ। गुरु के ज्ञान को भूलने से हम फंसते हैं, वरना जिस दुनिया क्या है ये केवल एक सपना है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने साबित कर दिया आपको कि हम किसी के नहीं मारे हुए, हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, हमारा मन ने ही हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, हमें कोई भी टुकड़े टुकड़े करने वाला नहीं है। इसलिए कोई अगर बचाने वाली चीज़ है तो वो गुरबाणी है, गुरु का वचन है, गुरु की संगत है। जितनी संगत करोगे उतनी रंगत चढ़ती जाएगी। क्या कहा मैंने? तो मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया, ज़्यादा क्या बोलूँ, कितना का बोलता जाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है। इतने हजम करो, इस पर विचार करो और खूब अपनी ज़िंदगी को बनाओ, इस ज़िंदगी का पूरा सफल भोगो और फिर इधर आ जाओ। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार और राधा स्वामी, राधा स्वामी।